शनिवार को खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह की उपस्थिति में खासदा क्रीड़ा महोत्सव की तारीखें घोषित की गई। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। इस दौरान अर्जुन पुरस्कार विजेता ज्वाला गुट्टा भी उपस्थित थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से साकार हुए खासदार महोत्सव अंतर्गत आने वाले क्रीड़ा महोत्सव की तारीखों का ऐलान और कॉफी टेबल बुक का विमोचन शनिवार को सुरेश भट्ट सभागृह में किया गया। इस दौरान प्रमुख उपस्थिति के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भारतीय हॉकी के पूर्व कप्तान, साथ ही हिंदी फिल्म सूरमा जिनके जीवन पर बनाई गई है, ऐसे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और अर्जुन पुरस्कार विजेता अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बहुत अच्छा लगता है जब यू नो वी हैव दिस बिग बिग गेम्स फेस्टिवल्स जब होते हैं स्पोर्ट्स के। आई थिंक इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हर एक सिटी और हर एक स्टेट में ये होना चाहिए। इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, इट शोज हाउ मेनी पीपल कि कितना एंथुसियाज्म से वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट नितिन सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। आई बिलीव ये चौथा एडिशन है यहाँ का एंड आई होप कि ये एक ग्रेट सक्सेस हो फ्यूचर में। एंड आई होप we get champions from this city, Nagpur. मैं नागपुर में मेरे बहुत बहुत मैं आपका तह दिल से धन्यवाद करता हूँ कि नितिन सर ने मुझे आज इस प्रोग्राम में शामिल किया। मैं पहली बार नागपुर आया हूँ अभी कुछ समय पहले मीडिया के साथ थोड़ा वार्तालाप कर रहा था तो वहाँ पर बात चल रही थी खिलाड़ियों की कुछ गेम्स की तो ज्वाला जी 2010 की कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रही थी तो मैं भी कॉमनवेल्थ गेम्स और ज्वाला जी ने हम दोनों ने एक साथ वो खेली तो वो समय हम काफ़ी बात कर रहे थे तो उस समय बात चली हरियाणा की। हरियाणा आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स फैक्ट्री है लेकिन स्पोर्ट्स फैक्ट्री के साथ कई उन्होंने रिकॉर्ड बनाया भी। हमारे संदीप जी बता रहे थे कि ओलंपिक गोल्ड मेडल को 6 करोड़ मिलता है, सिल्वर को 4 और ब्रॉन्ज को 2.5 और चौथे नंबर आने वाले को 50 लाख मिलता है। ये पहली बार ऐसा दुनिया में ऐसा राज्य बना है जो इतनी बड़ी अमाउंट ओलंपिक के मेडलिस्ट को दे चुका है।